हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिशन अधिकारी में। और आज के इस वीडियो सीरीज में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेक्शन फार्मूला। तो पहले देखते हैं सेक्शन फार्मूला फॉर इंटरनल डिविजन्स। तो देखो थ्योरम क्या है, लेट ए ऑफ ए बार एंड बी ऑफ बी बार बी एनी टू पॉइंट्स इन द स्पेस एंड आर आर बार बी अ पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी डिवाइड्स इट इंटरनली इन द रेशियो एम इज टू एन, देन आर बार इज इक्वल टू एम बी बार प्लस एन ए बार डिवाइडेड बाय एम प्लस एन। तो इसे हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो ये थ्योरम है, ये कैसे प्रूफ होगा इसे हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले लेट ए एंड बी बी एनी टू पॉइंट्स। तो हम लोग ए और बी दो पॉइंट्स पुटअप करते, सपोज ये एक पॉइंट है ये, और यहाँ पे दूसरा पॉइंट्स लेता मैं बी, बराबर है। ऑन द स्पेस आर बार पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी, मतलब लाइन सेगमेंट रहेगा यहाँ पे कौन सा, ए बी, और यहाँ पे आर पॉइंट रहेगा इन द लाइन सेगमेंट ए बी डिवाइडिंग इंटरनली इन द रेशियो एम एस टू एन, मतलब ए टू आर का जो डिस्टेंस रहेगा वो कितना होगा, एम होगा, और आर टू बी का ये कितना होगा, एन होगा। अब देखो, अब इसका एक ट्रायंगल बनाते हैं। यहाँ पे एक ओरिजिन पॉइंट है, सपोज ये यहाँ पे एक ओरिजिन पॉइंट लगा था ओ, बराबर है। अब इसे ज्वाइन करता है, एक ज्वाइन करता बी की तरफ, जो हमें क्या देगा, बी वेक्टर ओ बी बी बार। सेम उसी तरीके से ओ ए ए बार, और आर की तरफ ज्वाइन करेंगे तो क्या मिलेगा, आर बार, ठीक है। अब देखो लिखते हैं इसके लिए। तो सबसे पहले आर क्या है, आर इज अ पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी, आर इज अ पॉइंट ऑन लाइन सेगमेंट ए बी, बराबर है। उसके बाद ए आर बार और आर बी बार इज इन सेम डायरेक्शन, ए आर बार एंड आर बी बार इज इन सेम डायरेक्शन, इज इन सेम डायरेक्शन, बराबर। सेम डायरेक्शन होने की वजह से इसे मैं इस तरह से लिख सकता, ए आर बार डिवाइडेड बाय आर बी बार, ए आर का रेशो कितना है एम और आर बी का कितना है एन, बराबर है। तो इसे मैं कैसे लिख सकता, एन इंटू ए आर बार इज इक्वल्स टू एम इंटू आर बी बार, बराबर है। उसके बाद हम लोगों को क्या पता है, ये जो है ये इनके डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कैसे है, सेम है। तो वही लिखता मैं पॉइंट एज एम आर बी बार एंड एन ए आर बार हैव सेम डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, देयरफॉर एम आर बी बार इज इक्वल्स टू एन ए आर बार, बराबर है। तो अब देखो, अब हम क्या कर सकते, यहां से हम लोग क्या निकालेंगे, आर बी बार निकालेंगे, मतलब आर बी बार इज इक्वल्स टू क्या होगा, ये हम लोगों ने इसके पहले देखे थे, देयरफॉर एम ऑफ आर बी बार क्या होगा, आर बी बार होगा ओ बी बार माइनस ओ आर बार इज इक्वल्स टू एन इन टू ए आर बार क्या होगा उसी तरीके से ओ आर बार माइनस ओ ए बार, बराबर है। अब देखो एम इन टू ओ बी बार की वैल्यू पता है बी बार माइनस ओ आर बार की वैल्यू कितनी है आर बार, इज इक्वल्स टू एन इन टू ओ आर बार की वैल्यू आर बार माइनस ओ ए बार की वैल्यू कितनी है ए बार। अब इसे मल्टीप्लाई करते
एम बी बार माइनस एम आर बार इज इक्वल टू एन आर बार माइनस एन ए बार, बराबर है। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो देखो सॉल्व करो इसे, इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे, यहाँ पे भी एम आर बार है और यहाँ पे भी एम आर है, तो यहाँ इसे इस तरह से करते एम बी बार, यहाँ पे माइनस है तो इसे प्लस करते एन ए बार इज इक्वल्स टू एन आर बार, इधर प्लस आएगा क्या होगा एम आर बार, बराबर है। इससे यहाँ पे इस तरह से होगा एम बी बार प्लस एन ए बार इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या होगा आर बार कॉमन निकलेगा, क्या रहेगा एन प्लस एम, देयरफॉर आर बार इज इक्वल्स टू क्या होगा एम बी बार प्लस एन ए बार डिवाइडेड बाय एन प्लस एम, बराबर है। ये होगा सेक्शन फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन, बराबर है। ये होगा यहाँ तक के। अब देखो उसके बाद इफ इफ ए के पॉइंट्स यदि आप लोगों को गिवन है ए वन ए टू और ए थ्री, बराबर है, और बी के पॉइंट्स गिवन है आपको बी वन बी टू और बी थ्री, सेम उसी तरीके से आर के पॉइंट्स आप लोगों को गिवन है आर वन आर टू और आर थ्री, बराबर है। और ये आर जो है वो आर सेगमेंट ए बी सेगमेंट को डिवाइड्स करता है इज इन द रेशियो एम इज टू एन, जब डिवाइड्स करेगा उस वक्त क्या मिलेगा देन आर आई इज इक्वल्स टू एम बी आई प्लस एन ए आई डिवाइडेड बाय एम प्लस एन। अब आई का मीनिंग क्या होगा यहाँ पे वन टू थ्री, ये कोई भी नंबर होगा। अब देखो दूसरा आता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला के लिए ये जो आर है ये आर कहां पे रहेगा मिड पॉइंट पे रहेगा। अब मिड पॉइंट पे रहेगा उस तो एम इज टू एन का रेशियो कितना होगा वन इज टू वन, मतलब m इज इक्वल टू एन होगा, बराबर है। दोनों वैल्यू कैसे रहेगी सेम रहेगी, जब दोनों वैल्यू सेम रहेगी तो देखो यहाँ पे हम लोग पुटअप करते r बार इज इक्वल टू क्या होगा वन बी बार प्लस वन ए बार डिवाइडेड बाय वन प्लस वन इज इक्वल टू क्या होगा r बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार डिवाइडेड बाय टू, बराबर है। तो मिड पॉइंट फार्मूला क्या आएगा ए बार आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार डिवाइडेड बाय टू, ये क्या होगा ये होगा आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला, बराबर है। अब नेक्स्ट थ्योरम देखते सेक्शन फॉर्मूला फॉर एक्स, थ्योरम है आपके स्क्रीन के ऊपर सेक्शन फॉर्मूला फॉर एक्सटर्नल डिविजन्स, लेट ए ऑफ ए बार एंड बी ऑफ बी बार बी एनी टू पॉइंट्स इन द स्पेस। तो देखो यहाँ पे मैं दो पॉइंट्स लेता ए और बी, आर बार बी द थर्ड पॉइंट ऑन द लाइन ए बी डिवाइडिंग द सेगमेंट ए बी एक्सटर्नली, ए बी को एक्सटर्नली, तो यहाँ पे एक आर लिखता है जो ए बी को एक्सटर्नली डिवाइड करता है, बाहर से डिवाइड करता है। सपोज ए टू आर का जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस यदि एम है, ए टू आर का डिस्टेंस कितना है एम है, तो ए बी टू आर का कितना होगा एन होगा, ये एक्सटर्नली डिवाइड किया है उसने, बाहर से डिवाइड किया है, बराबर है। सपोज एक ओरिजिन पॉइंट उसे इंटरनल के हिसाब से ही यहाँ पे क्या होगा ओ होगा, बराबर है। तो ओ टू आर क्या होगा आर बार, ओ टू बी बी बार और ओ टू ए ए बार, बराबर है। तो देखो उसका प्रूफ लिखते हैं, प्रूफ R पॉइंट R डिवाइड्स लाइन सेगमेंट AB, कैसे डिवाइड कर रहा एक्सटर्नली, एक्सटर्नली, बराबर है। देयरफॉर क्या मिला आपको रेशियो AR बार डिवाइडेड बाय बी आर बार, ए आर बार का रेशियो कितना है एम
और बी आर बार का रेशियो कितना है एन, देयरफॉर इससे हम लोगों को क्या मिलता है एन इन टू ए आर बार इज इक्वल्स टू एम इन टू बी आर बार, बराबर है। तो ये जो है इनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे है, सेम है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होने के वजह से हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। फिर किससे कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखो ए आर बार किस तरह से निकालेंगे, ए आर बार मतलब ये आर बार माइनस ए बार, तो एन ऑफ आर बार माइनस ए बार इज इक्वल्स टू एम ऑफ बी आर बार किस तरह से निकालेंगे, ये बी आर बार है, क्या होगा आर बार माइनस बी बार, आर बार माइनस बी बार। तो देखो इसे सॉल्व कर दे, एन आर बार माइनस एन ए बार इज इक्वल्स टू एम आर बार माइनस एम बी बार, बराबर है। ये एन आर बार है बराबर है, माइनस क्या होगा एम आर बार इज इक्वल्स टू माइनस एम बी बार प्लस एन ए बार, बराबर है। तो अब देखो इससे आर बार निकलेगा तो क्या रहेगा एन माइनस एम इज इक्वल्स टू यहां पे क्या होगा, किस तरह से होगा यहां पे एन ए बार माइनस एम बी बार, बराबर है। देयरफॉर आर बार इज इक्वल्स टू क्या होगा एन ए बार माइनस एम बी बार डिवाइडेड बाय एन माइनस एम, बराबर है। नहीं तो फिर इसे दूसरे तरीके से भी लिख सकते, किस तरह से एम बी बार माइनस एन ए बार डिवाइडेड बाय एम माइनस एन, तो ये क्या होगा, ये होगा एक्सटर्नली डिवीजन का फार्मूला। तो अब देखो इससे कुछ नोट लिख सकते हम लोग, नोट किस तरह से होगा देखो, देखो तो सबसे पहले नोट है, जो कुछ भी नोट है वो देखो, व्हेन एवर द रेशियो इन विच पॉइंट आर डिवाइड्स द जॉइन ऑफ टू पॉइंट्स ए एंड बी इज रिक्वायर्ड, इट इज कन्वीनियंट टू टेक द रेशियो एज k is to 1, रेशो कौन से लिया हम लोगों ने k is to 1, देन तो क्या होगा फॉर इंटरनल डिवीजन के लिए क्या होगा r बार इज इक्वल्स टू के बी बार प्लस ए बार डिवाइडेड बाय k प्लस 1, बराबर है। एंड फॉर एक्सटर्नल के लिए क्या होगा एक्सटर्नल के लिए होगा आर बार इज इक्वल्स टू के बी बार माइनस ए बार डिवाइडेड बाय के माइनस 1, बराबर है। यदि यही हम लोग ट्राइंगल के लिए देखे तो ट्राइंगल के लिए किस तरह से होगा देखो, सेकंड नोट लिखते वही, इन ट्राइंगल एबीसी सेंट्रोइड, देखो ये वर्ड याद रखना सेंट्रोइड, जी कैपिटल जी डिवाइड्स द मेडियंस इंटरनली इन द रेशियो 2:1, तो ये किस तरह से होगा स्मॉल जी बार इज इक्वल्स टू ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार डिवाइडेड बाय 3, किस तरह से होगा डिवाइड बाय 3। यदि इसे ही 3:1 के हिसाब से डिवाइड करें तो क्या होगा, तो ये क्या होगा
ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार प्लस डी बार डिवाइडेड बाय 4। ये इस तरह से क्या होगा, ये फॉर्मूला होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, रुकते इसके बेस्ट के कुछ प्रॉब्लम है वो अपन अगले दिन पढ़ेंगे। थैंक यू।